अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं रिवर्स हीट इंजन। तो रिवर्स हीट इंजन क्या होता है कि हम लोग ठंडे से गर्म की तरफ हीट को फ्लो कराना चाहते हैं। सीधे रास्ता कौन सा है? गर्म से ठंडे की तरफ फ्लो होना। लेकिन हम क्या चाहते हैं रिवर्स हीट इंजन में कि जो हीट है वो कोल्ड से हॉट की तरफ चली जाए। ऐसा जा सकती है क्या? तो अपने नेचर के हिसाब से तो नहीं जा सकती, लेकिन हम कुछ करें तो जा सकती। क्या करें तो जा सकती है? आपने पानी जो है वाटर, पानी किधर से किधर बहता है, फ्लो करता है अनिजा? हाइट से कम हाइट की तरफ फ्लो करता है, ऐसे ढलान मिलती जाता है। लेकिन आप सब जानते हैं जब अपना सोसाइटी का पानी जब आता है तो हम लोग पंप लगा के चढ़ा देते हैं, नीचे से ऊपर चढ़ाते पानी। तो पानी कहाँ से कहाँ जाता है? नीचे से ऊपर कैसे जाता है भाई? उसके लिए उन्होंने पंप लगाया, जुगाड़ किया कुछ। यानी पानी को नीचे से ऊपर चढ़ाया जा सकता है। रोज चढ़ाते हैं हम लोग, दिन में दो दो बार चढ़ाते हैं। कैसे? पंप की मदद से। इसी तरीके से हीट को कम टेम्परेचर यानी कोल्ड से हॉट की तरफ भेजा जा सकता है। लेकिन उसके लिए भी हमको कुछ ऐसा मटेरियल या पंप चाहिए होगा जो भेजे उसको, जैसे पानी को भेजता है। आ रही बात समझ में? ये जो रिवर्स हीट इंजन है ये कहाँ इस्तेमाल होगा? ये बहुत ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं और आप सभी जानते हैं ये रेफ्रिजरेटर में यूज होता है। फ्रिज, आइसक्रीम जमाते हैं ना उसमें, तो फ्रिज में यूज होता है। फ्रिज में कैसे यूज होता है हम अपने आपको एक्सप्लेन करेंगे। पहले इसका फंडा समझ लेते हैं, ठीक है? ये भी कोर्स में है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर कि एक हीट ली रिजर्वायर लिया जिसका टेम्परेचर था T1, और क्योंकि ये इसको हीट की जगह हॉट लिख दो, वो कोल्ड है तो ये हॉट हो गया। तो इसका टेम्परेचर T1 ज्यादा है, T2 कम है। ये रिजर्वायर सिंक, और यहां पर हम लोग काम करने वाले। तो अब क्या करते हैं, ये इधर से इधर तो फ्लो नहीं करना चाहती हीट, लेकिन हमने एक वर्किंग सब्सटेंस लगाया और हम उस पर वर्क करते हैं हीट के ऊपर। तो इस सिंक से हीट निकालते हैं और रिजर्वायर में डालते हैं। रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर से हीट निकलती है और एटमॉस्फेयर में जाती है, तभी तो उसमें आइसक्रीम जमाते हैं। आइसक्रीम रखते हैं तो ठंडी होती जाती है, पानी रखते हैं तो ठंडा होता है। क्यों ठंडा होता है? कोई भी चीज़ क्यों ठंडी होती है? जब उसे हीट निकल जाती तभी तो ठंडी होगी। तो अगर फ्रिज में कोई चीज़ ठंडी हो रही है तो इसका मतलब है फ्रिज से हीट निकल रही है, निकाल रहे हैं हम लोग, है ना? तो हीट निकाल के बाहर एटमॉस्फेयर में डाल देते हैं, ये प्रोसेस हम यूज करते हैं। तो फ्रीजर में हम लोग हीट निकालते हैं और बाहर डालते हैं। तो यहां पर हमने क्या किया, Q2 इसका हीट था और वर्क, ये एरो देखिए उल्टे बने हैं क्योंकि इसमें ये इधर हीट आएगी, हम इस पे काम करेंगे और दोनों मिलके किधर चली जाएंगी, रिजर्वायर पर। तो अगर इसकी इक्वेशन बना दें हम लोग Q1W और Q2 की, तो ये इक्वेशन हम क्या बना सकते हैं कि Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस W, ये दोनों मिलके Q1 दे रहे, यही मतलब है ना? वहां क्या सिचुएशन थी, Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू W था, हमें वर्क मिल रहा था, हमें यहां उल्टा एरो करना पड़ रहा है। वहां क्या था, वर्क मिल रहा था, यहां करना पड़ रहा है। तो ये सिचुएशन आपकी बनेगी। अब इसमें जैसे हमारा इंजन में हीट इंजन में एफिशिएंसी शब्द आया था ये देखने के लिए कि एक हीट इंजन दूसरे से कितना अच्छा है, इसी तरह इसमें भी एक वर्ड आता है, लेकिन ये रिवर्स हीट इंजन है इसलिए इसको बोलते हैं कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस। वो अल्फा से डिनोट करेंगे। क्या काम करेगा वो ये बताएगा कि ये रिवर्स हीट इंजन कितना पावरफुल है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी। तो उसे बोलते हैं हम लोग कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस, और इसका सिंबल क्या हम लोगों ने दिया,
अल्फा। अब इस अल्फा की जो वैल्यू होती है, अल्फा की जो वैल्यू होती है वो होती है Q2 अपॉन W के बराबर। क्यों Q2 अपॉन W के बराबर? क्योंकि जो हीट हमने निकाली उसके लिए हमने कितना काम किया। अगर हीट हमने ज़्यादा निकाली तो परफॉर्मेंस अच्छी, इफ़ Q2 इज़ हायर। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? इस सिंक से हीट निकालना। तो अगर ही हमारे पास 100 जूल की एनर्जी है, हम बात करते हैं वर्षा की और टीना की, तो दोनों को हमने 100-100 जूल की एनर्जी दी और कहा तुम जरा हीट निकालो। तो टीना ने निकाली हीट 50 और वर्षा ने हीट निकाली 60। तो किसकी परफॉर्मेंस अच्छी? वर्षा की परफॉर्मेंस अच्छी, क्योंकि 100 जूल में उन्होंने जो हीट पैदा करा ली वो 60 थी और अगले वाले की टीना की 50 थी। बात समझ में आती है ना? इसका उल्टा अगर सोचें कि दोनों ने, टीना ने और वर्षा ने हीट निकाली 60, लेकिन टीना ने निकाली 40 खर्च करके और वर्षा ने निकाली 50 खर्च करके, तो कौन ज़्यादा एफिशिएंट? टीना। 40 खर्चा किया, 60 मिल गई। दोनों बात समझ में आ रही है ना? तो इसी तरह से अल्फा बढ़िया होने के लिए या तो Q2 ज़्यादा हो और W सेम है, या W कम लगे, कम मेहनत में ज़्यादा निकाल लें, या जो मेहनत कर रहे हैं उसमें ज़्यादा निकाल लें। आ रही बात समझ में? क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्या है? हीट निकालना। कम काम करके ज़्यादा हीट निकालेंगे तो हमारी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, वो रिवर्स हीट इंजन हमारे लिए अच्छा होगा। तो उसी को हम लोग बोलते हैं कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस। इसको डिनोट करेंगे अल्फा इज इक्वल टू Q2 अपॉन W से, जो आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ाते हैं। Q2 लिखा और इस वर्क डन का कैलकुलेशन पीछे वाली इक्वेशन से किया था हम लोगों ने, और वो वैल्यू क्या आई थी? Q1 माइनस Q2। अब क्या करते हैं हम लोग कैलकुलेशन और आगे बढ़ाने के लिए, इसको 1 अपॉन अल्फा कर लेते हैं, तो ये उल्टा हो जाएगा। अगर ये उल्टा हो गया, थोड़ा और कैलकुलेशन बनाइए, ये बना 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू Q1 डिवाइड कर दो 1 माइनस, हाँ Q1 अपॉन Q2 माइनस 1, ये वैल्यू बनी। अब हम पहले से बात कर चुके हैं कि ये दोनों रेशियो आपस में बराबर होते हैं, है ना? तो इसका भी इस्तेमाल अगर हम कर लें तो ये वैल्यू क्या बन गई? T1 अपॉन T2 माइनस 1। तो अल्फा क्या हो गया इस कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो अल्फा हो गया हमारा T2 अपॉन T1 माइनस T2। ये 1 अपॉन अल्फा है ना, तो यहाँ पे एलसीएम ले लो, T1 माइनस T2 अपॉन T2, उल्टा किया ये वैल्यू आ गई। व्हाट इज अल्फा आयुषी? ये कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कृति क्या बताता है हमको? सर कि कितनी हीट, सर सिंक से कितनी हीट हमने निकाली वर्क डन करके? नहीं, टिपिकल जवाब है तुम्हारा। वर्णिता, सब कथा सुनने आए हैं। ममता, रवि जी, जो इंजन आप बनाए हुए हैं रिवर्स हीट इंजन, वो कितना अच्छा है। इसमें कौन सी टिपिकल बात है? कोई भी चीज़ आप बनाते हैं, खाना बनाती हैं, बनाते हैं जी, बात कर रहे थे कि अगर हम लोग कोई इंजन बनाते हैं तो हम लोग ये भी इंटरेस्टेड रहेंगे कि हमारा इंजन पहले से कितना बेटर है या कितना अच्छा है। चार इंजन सामने हैं, जैसे हम लोग खाना बनाते हैं या बनाती हैं, तो ये ज़रूरी होता है जानना खाना कितना टेस्टी है ना। खाना बनाना ही काफ़ी नहीं है, बड़े बड़े कॉन्टेस्ट होते हैं मास्टर शेफ़ों, क्या क्या खाना तो हर घर में बनता है, लेकिन एक मास्टर शेफ हो जाता है ना? तो इसी तरह जानना ज़रूरी है कि जो चीज़ हो रही है उसकी परफॉर्मेंस क्या है। आप पढ़ते तो सभी हैं, देखिए सब पढ़ रहे हैं, बड़े सयाने अच्छे बच्चे, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो निकलता है उसमें किसकी परफॉर्मेंस कैसी है। आंखें तो खुली रखते हैं अधिकतर लोग, एक आधे को छोड़ के।
नहीं, तो बाकी लेकिन कितना एफिशिएंसी है आपकी, कितना इनपुट मिल रहा है यहाँ से ना, और अपनी पढ़ाई भी करेंगे तो दिस इज इनपुट, और फिर आउटपुट पर्चे में लिख के आते हैं एग्जामिनेशन में। तो कई लोग तो इनपुट लेते ही नहीं, तो माशाल्लाह फिर क्या आउटपुट होगा मालूम नहीं। और कुछ लोग बड़ा जोर लगाते हैं इनपुट के लिए, अब मशीन में थोड़ी दिक्कत है तो वो आउटपुट जो है गड़बड़ा जाता है। कई फैक्टर हो सकते हैं ये भी ना, कि इनपुट तो वो झोंक रहे हैं, दिन रात पढ़ रहे हैं, पता नहीं पढ़ रहे हैं या दिखा रहे हैं जो भी, और परफॉर्मेंस नहीं बन पाया। तो हमें किससे मतलब रहता है हर चीज़ का? हम कहानी नहीं सुनना चाहते लाइफ में। आप मोटरसाइकिल खरीदेंगे एक्टिवा तो आप कहेंगे बढ़िया चले, बाकी क्या हुआ नहीं हुआ हमसे मतलब नहीं, कंपनी जाने, यही तो कहते कहते ना कि उसमें कौन सा चैम्बर में कौन सा पेट्रोल जलता है, एक चैम्बर है, तीन चैम्बर है, कहाँ से पेट्रोल जाता है, कहाँ निकलता है, कहाँ केला कहाँ नहीं केला, हमसे क्या मतलब, पिस्टन कैसा क्या है, हमें मतलब क्या है कि हमारी गाड़ी बढ़िया चलनी चाहिए। तो आपके पापा या मम्मी जब आपसे बोलते हैं हमसे नहीं मतलब क्या पड़ती है, हमसे मतलब ये है कि आपके नंबर आने चाहिए, तो कितने गलत है कह पाना मुश्किल है थोड़ा। वैसे तो नॉलेज होनी चाहिए, केवल नंबर ही उस चीज़ का टेस्टिमोनी नहीं है, लेकिन ये कहना उनका क्या पूरी तौर पे गलत है ये भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हम भी मोटरसाइकिल लेके आते हैं तो यही चाहते हैं बढ़िया चले, खूब एवरेज दे, स्मूथ चले, आवाज़ ना करे, सुंदर हो दिखने में, मॉडल अच्छा हो, ये सब चाहते हैं ना, सब कुछ चाहिए अपने को, तो पढ़ाई में क्यों नहीं चाहिए। आपकी अच्छी फीस जा रही है, स्कूलों में पढ़ते हैं, मेहनत से पढ़ते हैं, खाना जो चाहते हैं वो खिलाते हैं, कई बार आप नहीं खाना चाहते तो भी हॉर्लिक्स पिला देते हैं वो लोग, मेरी बेटी अच्छी बने ताकतवर उसके बाद भी नंबर ना मिले तो गड़बड़ हो जाएगी फिर। एनीवे वापस आते हैं हम लोग, पूरी कहानी इसलिए समझाई कि कोई अल्फा नहीं बता पाया था यहाँ। तो अल्फा क्या है कृति? हाँ ठीक, ये क्या बताता है आपको? फिर वही लटक गई, पूरी क्या बताएं, पूरी पिक्चर दिखा दी, फिर पूछा फिर वही बता रही है। अभी हमने इतना नाटक बताया, क्या पता चला अल्फा से? किसकी? देखिए यही कॉन्सेप्ट, मशीन क्या, कौन मशीन लगा दी हमने, यही देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, फिर दो मिनट भाषण देने का मौका मिला, देंगे नहीं वैसे, आगे पढ़ाना है, लेकिन ध्यान रखिए, देखिए यही कॉन्सेप्ट का फर्क है, अगर कॉन्सेप्ट पकड़ेंगे ये जो बोल रही है इनको कल नहीं याद रहेगा क्या बोल रही है, भूल जाएंगे सब, पक्का हम बता रहे, क्योंकि मुद्दा नहीं पकड़ रहा दिमाग, दिमाग अगर मुद्दा पकड़ लेगा तो आपको बहुत लंबे समय तक याद रहेगा, रिवीजन कर लेंगे। मुद्दा सिंपल ये है कि अल्फा बताता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब ये रिवर्स हीट इंजन कितना अच्छा है, ये है मुद्दा इसका, सिंक से निकाली, पेट्रोल कहाँ चला, पैडल कैसे मारा, ब्रेक कौन सा लगाया, नहीं चाहिए, अच्छी गाड़ी है कि नहीं ये बताओ। आप जाते हैं तो कभी कभी बताता है ना बहुत खूबियां उसकी, एक चार सेकंड में फला स्पीड, धमाका स्पीड वगैरह वगैरह, LCD LED TV लेने जाइए तो देखिए कितने वो बताता है उसमें फीचर्स, क्योंकि ये मिल सकता है कि आप चौंकी जाएंगे कि जो बता रहा वो सब मेरे घर में नहीं है अभी तो, और बता रहा कि उड़ने लगेगी TV, थोड़ा उसको बटन दबा देंगे तो कहते हैं स्मार्ट TV, ये चलेगा वो चलेगा, हम लोग यूज़ कितना करते हैं उसमें से, मुश्किल से उसके 5% फीचर, एंड्रॉयड फ़ोन सब खरीदते हैं, आपके पास भी होगा हमारे पास भी, जितने फीचर ऐप और आ गए इस दुनिया में उसका 5% तो यूज़ करते हैं, वही फ़ोन करना, SMS करना, WhatsApp करना, Facebook करना, और जो थोड़ा पसंद हो आपको दाएं बाएं करना, उसी में तो घूमे रहते हैं, दुनिया भर का झमेला है। तो मुद्दा समझना जरूरी है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट वी वॉन्ट हियर, हम ये चेक करना चाहते थे कि हमारा रिवर्स हीट इंजन कितना अच्छा है, इसको चेक करने के लिए क्वांटिटी बनाई हमने जिसको बोला कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। अब जिसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस शिखर अच्छा होगा वो रिवर्स हीट इंजन अच्छा होगा, तो वो ऑब्वियसली बात, अगर रिवर्स हीट इंजन अच्छा होगा तो हम कम काम करके ज़्यादा सिंक से हीट निकाल सकते हैं, ये तो क्लियर है, लेकिन वो तो बड़ी बात की बात है, पहले तो देखिए गाड़ी अच्छी चलती है, फिर हम पूछेंगे गाड़ी अच्छी चलती है कि अच्छे चलने का मतलब स्मूथ ड्राइव है या बहुत 4 सेकंड के अंदर 100 की स्पीड पकड़ लेती है, बहुत तरह से अच्छा चलना होता है ना, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट है कि 1 लीटर में 70 किलोमीटर चले 80 किलोमीटर, और कह रहा है इसमें पावर बहुत तगड़ी है, आप उड़ा देंगे 4 सेकंड में, उड़ने लगती है, तो हमें नहीं चाहिए। माइलेज कितना, तो कहेगा 20 का माइलेज इसका, तो हमें नहीं चाहिए वो, हमारा रिक्वायरमेंट अलग है। आप समझ में आ रही है बात? ठीक, तो इसके आगे की कहानी लेके चलते हैं, ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए।
यहां T1 T2 क्या था, यहां T1 था एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर, Q1 हीट थी ना, Q1 उधर की, ये एटमॉस्फेयर का नहीं हुआ, उल्टा लिख के कोई लग रहा है क्या, नहीं ठीक है, T2 है फ्रीजर का, इसी से तो हीट निकलनी है, तो T2 हुआ फ्रीजर का टेम्परेचर जहां से हीट निकाल रहे हैं, दिस इज T2 एंड T1 है एटमॉस्फेयर या रिजर्वायर जहां पे हीट जानी, उल्टा है इसमें, आई बात समझ में। तो ये फॉर्मूला और ये सिस्टम आपको याद होना चाहिए। अब अगली बात देते हैं कि ये जो चीज़ हमने पढ़ी रिवर्स हीट इंजन, ये रेफ्रिजरेटर में कैसे काम करती है, फ्रिज के अंदर कैसे काम करता है, तो देखते हैं इसको हम लोग। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है रिवर्स हीट इंजन की तरह। तो ये एक थोड़ा सा डायग्राम है बेसिक, जहाँ पे आप जान सकते हैं कि कैसे काम करेगा। ये फ्रीज़र है, जो फ्रीज़र हमारा रेफ्रिजरेटर में होता है, ठीक है, वहाँ से ये इसके अंदर गैस डालते हैं जो, जिसे आप वर्किंग सब्सटेंस बोलते हैं, है ना, तो गैस रहती है जो फ्रीऑन गैस इसके अंदर रहती है ना, बाकी वो डिपेंड करता है किस बेसिस पे लिया जाता है। रेफ्रिजरेटर में नॉर्मली फ्रीऑन गैस डालते हैं हम लोग। और क्या क्या चीज़ होगी, यहाँ पर एक कंप्रेशर लगाते हैं, कंप्रेशर क्या करेगा, मोटर होती कंप्रेशर, वो कंप्रेस करती है एयर को, तो एयर को जो निकल रही है हीट इधर, जब वो उसको कंप्रेस करेगी उस एयर को, तो कंप्रेशन की वजह से टेम्परेचर घटता है कि बढ़ता है, इंक्रीज करता है, तो ड्यू टू कंप्रेशन टेम्परेचर विल इंक्रीज मच मोर देन T1। व्हाट इज T1? T1 इज टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर। आपने अभी तो जो रेफ्रिजरेटर आते हैं उनका बैक कवर ढका होता है, पहले रेफ्रिजरेटर जो आते थे उसमें बैक कवर में बहुत सारी ट्यूबें दिखती थी आपको, काली काली बैक में रेफ्रिजरेटर के, अब जो होते हैं वो कवर्ड होते हैं अधिकतर। रेफ्रिजरेटर भी कई तरह के होते हैं, पहले आते थे डायरेक्ट कूल DC, अब भी मिल जाएंगे। वो DC में क्या होता था कि पीछे वो ओपन और साथ में फ्रीजर पे बहुत बर्फ जमती थी, उसको डिफ्रॉस्ट करना पड़ता था बार बार। फिर उसके बाद दूसरे एक नया लॉन्च हुआ फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर्स का, फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर्स में बर्फ नहीं जमती फ्रीजर पे, आपने देखा है बर्फ जम जाती है, तो कई लोग उसको किसी तरीके से छुड़ाते थे, तो बार बार डिफ्रॉस्ट करना पड़ता था। फिर फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर्स आ गए, फ्रॉस्ट फ्री में फैन लगे होते हैं, डायरेक्ट कूलिंग नहीं होती उसमें, डायरेक्ट कूलिंग का मतलब सीधे, और ये फ्रॉस्ट फ्री में फ्रॉस्ट नहीं जमती उसमें, तो ऐसे ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि डिफ्रॉस्टिंग नहीं करनी पड़ती, बर्फ नहीं जमती, अधिकतर घरों में वही मिलेंगे। एनीवे, वो तो हमने आपको बताया कि रेफ्रिजरेटर किस तरीके के आते हैं मार्केट में, बात हम लोग कर रहे हैं प्रिंसिपल की कि कैसे ही काम करता है। तो ये फ्रीजर रहा, पीछे जो हम बात कर रहे थे कि जो जाली दिखती है आपको रेफ्रिजरेटर के पीछे, अगर आपका नया रेफ्रिजरेटर है कोई दिक्कत हो जाएगी तो पीछे की जब प्लेट हटाएगा तो जाली नजर आएगी आपको वहाँ, ठीक। ये जो बनाया है हमने एक एक ट्यूब टाइप, ये जाली है, बहुत सारी जालियां लगी होती हैं उसमें, क्यों लगी होती हैं, क्योंकि इस ट्यूब से हम हीट एक्सचेंज कराते हैं। एक्सचेंज कराने का मतलब यहां से ये जो टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर से ज्यादा हो गया, अब हम चाहते हैं वो एटमॉस्फेयर में चला जाए, तो जाने के लिए जितनी देर एटमॉस्फेयर में रहेगा उतना ही चला जाएगा, वो समय भी तो मिलना चाहिए उसको, तो इसलिए इस ट्यूब को घुमाते फिर आते हैं वहां पे, जिससे एयर के कांटेक्ट में आए और ज्यादा हीट बाहर चली जाए। जब ज्यादा हीट बाहर चली जाएगी तब यहां का टेम्परेचर कम हो जाएगा, बहुत गर्म आ रहा था, हीट एक्सचेंज हुआ और टेम्परेचर फिर नॉर्मल सिचुएशन में हुआ या T1 के बराबर आने लगा। और जब T1 के बराबर यहां जाएगा तो यहां पर देखिए ये ट्यूब को बहुत पतली कर देते हैं, आपने कभी बनते हुए देखा नहीं होगा, मेरा घर का खराब हुआ था तो मेरे सामने बनवाया था मैंने, तो ये ट्यूब रहती है पतली सी, एक बहुत पतली ट्यूब, उस ट्यूब को इससे कनेक्ट करते हैं और फ्रीजर के चारों तरफ जो बना होता है बाउंड्री जहां पे एयर जानी है फ्री ऑन गैस, वहां पे एकदम से लाके ओपनिंग चौड़ी कर देते हैं, बहुत चौड़ी, ये ओपनिंग
इन लार्ज लिख देते हैं हम लोग, और ये पतली ट्यूब है, कैपिलरी टाइप ट्यूब कह दीजिए आप। ठीक है, अब क्या होगा कि यहां से जब गैस आएगी और आपने ट्यूब को पतला कर दिया, तो बर्नौली प्रिंसिपल से हम जानते हैं या लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी से हम जानते हैं कि इसकी स्पीड बढ़ जाएगी गैस की, बहुत तेजी से पतला कर देंगे, तेजी से बहेगी, फ्लो करेगी, और उसके बाद एकदम से आप उसको खूब जगह दे देंगे फैलने की। ये एकदम से चौड़ा कर दिया ना, तो ये किस तरह का प्रोसेस होगा? एडियाबैटिक प्रोसेस, भक से एकदम खुल गया कि लो पूरा जहां तुम्हारा। तो उस सिचुएशन में यहां क्या करेगा ये एडियाबैटिक में? सडन एक्सपेंशन अगर हो तो टेम्परेचर फॉल कर जाता है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में, जो कि सडन एक प्रोसेस है, जैसे आपको बताया था बर्स्टिंग ऑफ टायर, टायर बर्स्ट कर जाए तो उसके बगल में खड़े हुए इंसान को ठंडा लगता है, या बताया था वॉल बॉडी जो होती खराब हो जाए, आप निकाल के हाथ लगा दे तो ठंडा ठंडा लगेगा आपको, क्योंकि सडन एक्सपेंशन में, एडियाबैटिक एक्सपेंशन में वॉल्यूम इंक्रीज होने पर टेम्परेचर फॉल कर जाता है। तो यहां एकदम से चीजें बढ़ गई, एक्सपेंशन हो गया, तो क्या होगा? इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। जब इसके आजू बाजू का टेम्परेचर कम हो जाएगा तो वो फ्रीजर से हीट उस गैस में जाने लगेगी, क्योंकि इस फ्रीजर, इसके बाजू में जो गैस है उसका टेम्परेचर इस फ्रीजर से कम है, कम हो गया। जब कम हो गया तो फ्रीजर की हीट किधर गई? उस गैस के अंदर गई, और गैस का टेम्परेचर बढ़ा बढ़ा तो आगे चली गैस, आगे बढ़ी, और फिर कंप्रेशन ने और कंप्रेस कर दिया, उसकी काफी टेम्परेचर बढ़ गया, और जिससे जब टेम्परेचर बढ़ा तो यहां पे हीट एक्सचेंज अच्छा हुआ, और हीट एक्सचेंज अच्छा हुआ तो फिर ये प्रोसेस शुरू हुआ। तो धीरे धीरे ये फ्रीजर क्या होगा, ये काफी ठंडा हो जाएगा, बर्फ जम जाएगी, और भी आइसक्रीम भी जमा लेंगे, बर्फ तो 0 डिग्री पर ही जम जाती है, आइसक्रीम को और चाहिए होता है। आ रही बात समझ में? तो यही चीज इसमें करते हैं हम लोग, तो इस फ्रीजर इस तरीके से ठंडा करते हैं। और सिंक का काम कौन कर रहा है? हमारा एटमॉस्फेयर, सॉरी एटमॉस्फेयर क्या है, जहां पर हीट डाल रहे हैं, रिजर्वायर का काम कर रहा है, और निकाल कहां से रहे हैं हीट हम लोग? यहां से, ये सिंक कर रहे हैं, और वर्क करने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है? कंप्रेशर लगाना पड़ रहा है। पुराना डायग्राम याद कीजिए, तो वर्क कराने के लिए कुछ चाहिए था ना अपने को, तो ये कंप्रेशर है, सिंक और रिजर्वायर चाहिए थे, तो सिंक से हम निकालते थे हीट, रिवर्स हीट इंजन में, तो सिंक से हम निकाल रहे हैं हीट, है ना, और ऊपर से क्या कर रहे हैं इधर छोड़ रहे हैं, तो रेफ्रिजरेटर में ऐसा यूज करते हैं। अब यहां पर थोड़े से कैलकुलेशन है, वो जल्दी से वो भी समझ लेते हैं, जो बेसिकली रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है ईटा और अल्फा के बीच में। व्हाट इज रवि ईटा? एफिशिएंसी। और व्हाट इज अल्फा? वेरी गुड। तो ईटा और अल्फा के बीच में रिलेशन की बात करेंगे हम लोग, यही देख लेते हैं। तो हमें रिलेशन चाहिए किसके किसके बीच में? बिटवीन ईटा एंड अल्फा। फिर से कृति से एक बार बात करते हैं हम लोग। कृति, व्हाट इज अल्फा? सर, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। क्या बताता है ये? सर, सर रिवर्स हीट इंजन में सर कितनी हीट, सर उसकी सर एफिशिएंसी कितनी है, उसकी परफॉर्मेंस? हाँ, ये अब पकड़ा ना, उसकी कहानी ने बता के कितना बढ़िया रिवर्स हीट इंजन है। और ईटा क्या है? एफिशिएंसी। ठीक है, तो अभी हमने देखा था जो ईटा की वैल्यू थी वो क्या थी? 1 - T2/T1। ये उन्होंने वहां से निकाला था, तो ये आप समझ सकते हैं इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी। T2/T1 = 1 - ये इधर 1 - ईटा, इसको कर दो इक्वेशन नंबर 1। दूसरा, अल्फा के टर्म में क्या वैल्यू निकली थी T2/T1 की? तो 1/α = क्या था? T1 - T2 - 1, ये था। अब इससे हमने क्या किया, T1 T2 की वैल्यू निकाल ली, तो T1/T2 कितना मिला? ये इधर गया 1/α - 1। अरे इसको 1 को, सॉरी प्लस हो गया, ये -1 इधर गया, प्लस हो गया, ऐड कर दीजिए इसको, तो
तो 1 प्लस अल्फा अपॉन अल्फा, और अब क्या करते हैं इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देते हैं, ये T1 अपॉन T2 है, ये T2 अपॉन T1 है, तो इसको पलटना पड़ेगा एक को, तो हमने इसी को पलट दिया, यहाँ पे क्या वैल्यू ले ली, T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू अल्फा अपॉन अल्फा प्लस 1। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों इक्वल होंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है। अब इक्वेट अगर किया तो 1 माइनस ईटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन अल्फा प्लस 1, ये रिलेशन हमको मिला। अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो हम लिख सकते हैं ईटा इधर अल्फा उधर, तो ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा प्लस 1। और सॉल्व कर लीजिए तो अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा प्लस 1, अल्फा अल्फा कट गया, वैल्यू आ गई 1 अपॉन अल्फा प्लस 1। तो फाइनल रिजल्ट हमारे हाथ में क्या आया, ईटा इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा प्लस 1, ये हमारा रिलेशन मिला ईटा और अल्फा में। ठीक, दिस इज द रिलेशन बिटवीन एफिशिएंसी एंड कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो ये अगर हमें इस रेफ्रिजरेटर की अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए तो हमारा इन दोनों में क्या अच्छा होना चाहिए, अल्फा अच्छा होना चाहिए कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। रिवर्स इंटीजन ये पढ़ा था ना, अगर अल्फा बेहतर कर देंगे तो रेफ्रिजरेटर ज़्यादा अच्छा काम करेगा, है ना। तो ये रिलेशनशिप हो गया। अब थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। अब देखिए, ये तो आज जो पढ़ाई अभी तक कर चुके हैं हम लोग, उसमें ये कर चुके हैं कि हीट इंजन क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या ज़रूरत है उसकी, क्यों करेंगे, उसकी एफिशिएंसी क्या होती, उसके बाद रिवर्स हीट इंजन क्या होते हैं, वो कैसे काम करेंगे, उसकी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है, रिवर्स हीट इंजन का रेफ्रिजरेटर में यूज़ क्या होता है, उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन ईटा या एफिशिएंसी एंड कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ये बातें जब हो जाती हैं तो अब हमें थोड़ी सी चीज़ें जाननी पड़ती हैं कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने पढ़ा था उसमें उसकी लिमिटेशन क्या है, क्योंकि उसमें कुछ लिमिटेशन थी जिसका निराकरण एक तरीके से निराकरण या एक नया सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बना। तो पहले हमें ये जान लेना बेहतर रहता है कि हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में लिमिटेशन क्या थी। ठीक है, तो लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये जल्दी से देख लेते हैं।